अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है वो है मटर पुलाव की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया है 2 अदद चॉप्ड किया हुआ प्याज और इसको घी में गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जी तो प्याज हमारा डन हो चुका। अब हम इसमें चॉप किया हुआ हरा लहसुन ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें। तो यहाँ मैं इसमें 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हसब ज़रूरत नमक ऐड कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 अदद चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि स्मूथ सा मसाला तैयार हो जाए। जी तो अब इसमें मटर ऐड कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए भून लेंगे। एक बाउल इसमें मैंने चावल का लिया है तो 2 बाउल में पानी के ऐड करूँगी, यानी कि जितने आपके चावल होंगे उस हिसाब से डबल पानी ऐड करना है। यहाँ मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं और थोड़ा सा मज़ीद नमक ऐड किया है। जी तो अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। और इसको कवर कर देंगे उबाल आने तक। जी तो अब इसमें उबाल आ चुका है, अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। इसमें 1 बाउल मैंने चावल का लिया है और 2 बाउल मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं। और इसको हल्के हाथ से चम्मच चला लेंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलानी, इस तरह से चावल टूट सकते हैं। वक्फे वक्फे से चम्मच चला लेंगे। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी तो यहाँ पे ये दम के लिए तैयार है। तो देखा आपने कि कितनी इजी रेसिपी है। अब इसको हम दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, यहाँ ये बिल्कुल रेडी है। साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार सा मटर पुलाव तैयार हो चुका है और बहुत आसान हेल्दी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।